मध्य प्रदेश के धतारपुर स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी की चर्चा फिर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। इसमें MBBS की पढ़ाई कर रही एक युवती बागेश्वर बाबा से विवाह करने के लिए सिर पर कलश रखकर गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पैदल चलकर आएगी। 16 जून को ये युवती बागेश्वर धाम पहुंचेगी और वहां धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात करेगी। इस युवती का नाम शिवरंजनी तिवारी है। दिलचस्प बात यह है कि धीरेंद्र शास्त्री ने भी इस शादी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। शिवरंजनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अपनी एक मनोकामना पूरी करने के लिए बागेश्वर धाम पैदल चलेंगी। साथ ही मैं बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के बाद ही अपनी इच्छा बताने जा रहा हूं। इस बार उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को सरकार कहा। शिवरंजनी से शादी के बारे में पूछा गया, उसने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। शिवरंजनी ने कहा, बागेश्वर धाम सरकार सब जानते हैं, जो कुछ भी होगा सही समय पर बताया जाएगा। साथ ही एक सवाल का जवाब देते हुए शिवरंजनी ने धीरेंद्र शास्त्री को प्राणनाथ के रूप में संदर्भित किया और कहा, वह मेरे दिमाग में सब कुछ जानते हैं, ऐसा एक न्यूज चैनल ने बताया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स के दावे के मुताबिक शिवरंजनी बागेश्वर धाम में शादी करना चाहती हैं और इसके लिए वह पदयात्रा कर रही हैं। शिवरंजनी एक यूट्यूबर और भजन गायिका हैं। अपने एक दौरे के दौरान उन्हें हाल ही में इलाहाबाद और चित्रकूट में संतों के साथ देखा गया था। वह अगले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम पहुंचेगी। बागेश्वर धाम के भक्त उत्सुक हैं कि क्या 16 जून को धीरेंद्र शास्त्री से मिलने के बाद शिवरंजनी अपनी शादी के बारे में बताएगी। इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री का नाम प्रसिद्ध कथाकार जया किशोरी के साथ जुड़ा था। एक न्यूज चैनल रिपोर्टर ने शादी को लेकर चल रही चर्चाओं की पृष्ठभूमि में धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा से एक सवाल पूछा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बागेश्वर बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप मेरे समान संतुष्ट नहीं है? उल्टा सवाल किया, हम बिना शादी के खुश हैं, क्या आप चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर भी झुर्रियां आ जाएं?